देखिए अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर नशे के खिलाफ करीब 30,000 लोगों ने शपथ ली। सबने एक साथ नशे को ना और जिंदगी को हां कहा। युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलवाकर जहां जिम्मेदार बनाने की पहल की गई, तो वहीं अटारी वाघा बॉर्डर पर दुश्मनों को संदेश दिया गया कि उनकी ड्रग की साजिश यहां पर कामयाब नहीं होगी। ये करीब 30,000 हाथ हैं जो उठे हैं नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ अटारी बॉर्डर पर ये 30,000 लोग एक स्वर में नशे को ना और जिंदगी को हां बोल रहे हैं। ये पहला मौका है जब देश में इतने सारे लोगों ने एक साथ बॉर्डर पर नशे से दूर रहने की शपथ ली। मौका था अटारी बॉर्डर पर इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के मौके पर नशे से आजादी पखवाड़े के तहत हुए एक समागम का, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहल पर आयोजित किया गया। नशे की रोकथाम के लिए युवाओं को आगे लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया, ताकि युवा खुद नशे के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी समझे। यहाँ पे मौजूद 15,000 से 20,000 दर्शकों के साथ मिलकर शपथ ली कि नशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस संघर्ष में जो भी सीमा पार बैठे दुश्मन हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं नशे की खेप पहुंचाकर, उनसे इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। ये कार्यक्रम अटारी बॉर्डर पर जिस जगह बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी होती है उसी जगह पर हुआ। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के आईजी आसिफ जलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हमेशा से इस लड़ाई के खिलाफ वचनबद्ध रही है। बीएसएफ वचनबद्ध है और पूरे डेडिकेशन से, पूरे मेहनत से हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से देश के साथ, एनसीबी के साथ बीएसएफ खड़ी है। इस समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए भी नशे के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की गई। पंजाब में वैसे ही नशे का मामला संवेदनशील है, ऐसे में युवाओं से नशे को ना कहने की शपथ दिलाने से उम्मीद बनती है कि देश का युवा नशे के खिलाफ अब जिम्मेदार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन आपको लिए चलते हैं, जहां से गुड न्यूज सामने आई है। उज्जैन की 21 साल की लड़की लक्षिका डागर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीता है। लक्षिका मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई हैं। सरपंच पद के लिए गांव की 8 महिला उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें बाजी मारी लक्षिका ने। लक्षिका को 487 मतों से जीत हासिल हुई है। उम्मीदवारों में लक्षिका सबसे कम उम्र की भी थी। सरपंच का चुनाव जीतने के बाद लक्षिका ने कहा कि चिंतामन जवासिया गांव के विकास के लिए वो कार्य करना चाहती हैं। सबसे कम उम्र की जो युवा सरपंच बनने जा रही हूँ, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि गांव में अच्छा विकास हो और लोगों की समस्या सुलझा सकूँ, यही उम्मीद है मेरी। साथ ही जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो बुजुर्गों की पेंशन वगैरह रहती है, उसे मैं अच्छी तरीके से लागू कर पाऊँ। जो पात्र वंचित रह गए उन्हें मैं वो पहुंचा पाऊं, राशन कार्ड लोगों तक पहुंचा पाऊं। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, उनको सबका समाधान निकाल सकूं, बस यही उम्मीद है।